मध्य प्रदेश के सिवनी में कथित गौरक्षकों के गोमांस तस्करी के संदेह में 3 लोगों की पेट से बांधकर बहरहमी से पिटाई करने के मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। मामले के मुख्य आरोपी शुभम बघेल के भोपाल से भाजपा सांसद चुनी गई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ एक फोटो वायरल होने के बाद अब उस पूरे मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से चुनाव हारने वाले दिग्विजय सिंह ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और शुभम बघेल के फोटो वाले एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि एक ही पंख के पक्षी एक साथ झुंड में, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के बाद एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। भोपाल सांसद चुनी गई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो पहले ही अपने बयानों के चलते विवादों में है, अब इस फोटो के सामने आने के बाद मुश्किलों में फंस सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही गोडसे पर दिए बयान के चलते साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कभी मन से माफ नहीं करने की बात कही है। तो पिछले दिनों संसद से सेंट्रल में सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को प्रधानमंत्री के तरफ से नजरअंदाज करने के मामले ने भी सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं बटोरी। सिवनी में गोमांस तस्करी के शक में 3 लोगों की खंभे से बांधकर पीटने वाले वायरल हुए वीडियो के आरोपियों में शुभम बघेल मुख्य आरोपी है। खुद को श्री राम सेना का जिला अध्यक्ष बताने वाले शुभम बघेल पहले भी कई मामलों में आरोपी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शुभम बघेल बजरंग दल से भी जुड़ा रहा है और घटना के बाद खुद ही उसने सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो पोस्ट किया था। वही भोपाल से साध्वी प्रज्ञा की जीत पर शुभम ने उनके साथ एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है कि वो संसद भी जय भवानी जय सियाराम से गूंज उठेगी जब प्रज्ञा दीदी वहां कदम रखेंगी। वही गौ मांस तस्करी के कथित मामले में पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद शुभम बघेल को पुलिस ने उसके 4 साथियों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।